देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं देश के जाने माने नेता अतुल कुमार अंजान, और इनसे बात करेंगे विभिन्न मुद्दों पर। अभी इन्होंने बात किया, प्रेस वार्ता किया, उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया। सीधे रुख करते हैं अतुल कुमार अंजान का। स्वागत है सर सबसे तेज न्यूज में। आपने अभी कहा कि चुनाव आयोग के बारे में क्या कुछ था। सबसे पहले तो मैं सबसे तेज न्यूज चैनल के दर्शकों से कहना चाहता हूं कि आप इसको लगातार देखते रहिए। बेबाक टिप्पणी, सच का आईना और सही को कहने की क्षमता से दर्शकों को लैस करता है। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि चुनाव आयोग की गतिविधियों पर नज़र रखिए। आज़ादी के बाद ये पहला अवसर है कि चुनाव आयोग के संबंध में, निष्पक्षता के संबंध में लोगों के दिल और दिमाग में प्रश्नचिन्ह खड़े हो गए। कल तक प्रधानमंत्री जी की मीटिंगें चल रही हैं और आज चुनाव आयोग की मीटिंग हो रही है। आदर्श चुनाव संहिता कहाँ चला गया, आचार संहिता कहाँ चला गया? 3 महीने पहले लग जाता था, कोई सरकारी घोषणाएं नहीं होती थी। ये पहली बार हो रहा है। ये भाजपा की सरकार की नई संस्कृति है। ये संसदीय लोकतंत्र को कमजोर करने की संस्कृति है। क्या सरकार की नीतियों के साथ, उसकी योजनाओं के साथ, चुनाव जीतने हारने के साथ चुनाव आयोग भी खड़ा हो जाएगा? ये संशय लोगों के मन में है। चुनाव आयोग की अस्मिता और चुनाव आयोग के संबंध में लोगों की राय अगर प्रश्नवाचक चिन्ह में बदल जाए तो संसदीय लोकतंत्र के सामने एक बड़ा संकट होगा। इसीलिए मैंने दर्शकों को कहा है और दर्शकों के माध्यम से चुनाव आयोग को भी एक चुनौती के रूप में कहा है कि सावधान, संसदीय लोकतंत्र से खेल बंद करो, लोगों के विश्वास के प्रति अविश्वास की भावना अपने संबंध में मत पैदा होने दो। सर्जिकल स्ट्राइक पे तमाम लोग सबूत मांग रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता तरह तरह की बयानबाजी करते हैं। कोई 400 बताता है, कोई 200 बताता है, कोई 300 बताता है। क्या आपका कहना है इस पे कुछ? मैं समझता हूं कि एक जब आप भावनात्मक रूप से इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करते हैं तब आप सच्चाई से दूर हो जाते हैं। आप देश की सेनाओं के पराक्रम को बनाना चाहते हैं। क्या ये नहीं लग रहा आपको पिछले 3 महीनों से कि भाजपा को भारतीय सेना बनाया जा रहा है और भारतीय सेना को भाजपा बनाया जा रहा है? इससे पहले तो नहीं हुआ। श्रीमती इंदिरा गांधी से बड़ा पराक्रमी होगा कोई? पाकिस्तान के संबंध में बड़े लंबे लंबे भाजपा आरएसएस के लोग और प्रधानमंत्री बयान दे रहे हैं। इंदिरा गांधी जी ने तो कभी नहीं बयान दिया, कभी सेना को। हर वक्त राजनीति में घसीट लाते हो सेना को। बड़ा कठिन काम है। ऐसा ही काम आजादी के बाद, पाकिस्तान बनने के बाद जिना और तत्कालीन वहां के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत ने वहां की सेना का बड़ा गुणगान किया था कि हम कश्मीर तक गए और इसी सेना ने पलट दिया और संविधान खत्म हो गया और पाकिस्तान सेना के राज में चला गया। भारत के अंदर सेना बड़ी जनतांत्रिक है, इसलिए बार बार सेना को मत घुसेड़ो हमारे बीच में, सेना का जिक्र मत करो। सेना अपने पराक्रम का काम देश हित में करती है। लेकिन इंदिरा गांधी ने, जनरल मानेकशॉ से बड़े कोई है क्या? इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को तोड़कर दुनिया के इतिहास में एक नए राष्ट्र का अभ्युदय कर दिया। अगर वो नहीं हुआ होता ना तो इंडोनेशिया से बड़ा आज इस्लामिक राज्य होता पाकिस्तान। यही बात कुछ लोग यहाँ बुनियाद परस्त लोग कहते हैं कि पाकिस्तान को तोड़ दिया भारत ने, इसलिए जिहाद करते रहो। बांग्लादेश अपने कारणों से बना और ऐतिहासिक भूमिका इंदिरा गांधी की, लेकिन इंदिरा गांधी ने उस जीत के बाद कभी उसको राजनीतिक पराक्रम, सेना के पराक्रम अपनी पार्टी के लिए नहीं इस्तेमाल किया। क्योंकि अगर किया होता तो 3 साल के बाद ही उनके खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन 71 के बाद 73 में नहीं हो जाता। हो अल्लाह मचा कि वायुसेना के प्रमुख को आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। इतिहास में मुझे लगता है पहली बार ऐसा हुआ। तो किस तरह से देखते हैं कि किस तरह से इसका जो सेना की बात है उसको राजनीतिकरण हो रहा है? सेना का राजनीतिकरण करने का पेशा है नरेंद्र मोदी जी का और आरएसएस के लोगों का। बिना सेना का नाम लिए इनके कोई नेता नीचे से ऊपर तक बोल ही नहीं सकते। अब उन्हीं का सहारा रह गया है। लेकिन हमारी देश की सेना की एक परंपरा है, जनरल थिमैया की परंपरा है, जनरल चौधरी की परंपरा है, जनरल फील्ड मार्शल मानेकशॉ की परंपरा है, फील्ड मार्शल थिमैया की परंपरा है। इसलिए उस परंपरा के से ओतप्रोत होकर के ही एयरफोर्स के एयर मार्शल ने कहा कि हम सरकार और अपने देश के दुश्मनों के संबंध में अपने राजनीतिक नहीं, अपने सामरिक निर्णय लेते हैं। हम लोग गिनते नहीं हैं कि कितना मारा गया। और ठीक कहा उन्होंने, एयर मार्शल धनवा ने बिल्कुल ठीक कहा और जवाब लगा दिया। लेकिन मुझे अफसोस है कि
कि भारत की सेना के कुछ लोग हैं जो कहते हैं, बहुत प्रमुख पदों पर रह गए, कि मच्छर गिने नहीं जाते। जिनेवा कन्वेंशन के अंदर ये कहा गया है कि एक देश का दूसरा देश सम्मान करता है। मैं आपसे बताऊं, एक दुनिया के अंदर सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी इतने सैनिकों का आत्मसमर्पण नहीं हुआ जितना बांग्लादेश के निर्माण के बाद 95,000 पाकिस्तान की फौजों ने जनरल ए के नियाजी के सामने अपने पिस्तौल रख करके भारत के एयर मार्शल अर्जुन सिंह के सामने आत्मसमर्पण किया था, लेकिन उनके किसी को एक थप्पड़ भी नहीं मारा गया था। तो इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है। भारतीय सेना की शानदार परंपरा है, अपने देश के विरोधियों से लड़ते हैं, लेकिन दुनिया के अंदर यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्सेज में सबसे बड़ा ऊंचा सम्मान भारतीय सेनाओं का है, क्योंकि मानवाधिकारों और सैनिक मूल्यों की हिफाजत करते हैं। इस तरह की छोटी होछी हरकतें जो आरएसएस और बीजेपी के लोग सेना के संबंध में कह रहे, ये नहीं करती हो। वर्तमान राजनीति में जिस तरह से संत कबीरनगर में आपने देखा भी होगा, अब मुझे बताना उचित नहीं लग रहा है, जिस तरह से घटना घटी, किस तरह से आप देखते हैं राजनीति में इस तरह का कार्य हो रहा है? मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहता। आदरणीय प्रातस्मरणीय श्री मोहन भागवत जी जो आरएसएस के प्रमुख हैं, उन्होंने क्या सिखाया है भारतीय जनता पार्टी को? मोदी जी प्रचारक होकर के किस तरह की पार्टी बना रहे हो? अमित शाह तड़ी पार नेता हैं, तो तड़ी पार नेता के नेतृत्व में यही तो होगा। जिस तरीके से भाजपा सांसद शरद त्रिपाठी जी ने अपने ही जिले के संत कबीर नगर के विधायक राकेश सिंह को जूतों से पीट करके 7 मिनट में 9 जूते चला के विश्व का रिकॉर्ड बना दिया, गिनीज बुक में उनका नाम आना चाहिए। अजी अमित शाह जी को पत्र लिखना चाहिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों को कि इसको दीजिए। यही वो नहीं थमे अधिकारियों के सामने, डीएम के सामने, और देखिए देश की, उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी कैसे है। ये वही राकेश सिंह हैं जिन्होंने योगी आदित्यनाथ के लिए अपनी सीट खाली करने का प्रस्ताव दिया था जब वो चीफ मिनिस्टर बने थे। और फिर कल क्या हुआ उन्नाव में, समाज कल्याण अधिकारी को सांसद ने, विधायक ने डीएम के सामने गालियों से नवाजा ही नहीं, पीटा। ये है संस्कृति भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की, दुख है। अमित शाह जी से आपसे कुछ कहना नहीं, आप तड़ी पार हैं, 4 साल अपने राज से, लेकिन मोदी जी अब आपसे कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन योगी जी ये क्या हो रहा है? देश में आम चुनाव होने वाले हैं और देश की जनता का मूड, अभी कुछ टीवी चैनल सर्वे दिखा रहे थे, उसमें बढ़त किसी को दिखा रहे हैं, किसी को क्या दिखा रहे हैं, आपका क्या मानना है कि देश में आम चुनाव में आगामी लोकसभा में संसद में किसकी सरकार बनेगी? देखिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये जो टीवी की बढ़त और घटत है, ये आयोजित और प्रायोजित खेल है, और आयोजित और प्रायोजित खेल होना संसदीय परंपरा में चौथी खंभे का आज काम हो गया है। अभी जमीनी स्तर पर सच्चाई की बात करने वाले लोग स्थानीय मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे प्रिंट हो। देश के बड़े मीडिया तो एक घरानों के हाथ में कैद हो गए, 60% व्यूअर एक औद्योगिक देश का कारपोरेट घराना, उसके अंडर में सारे टीवी हो गए। इसमें निष्पक्षता की उम्मीद करते हैं, इसलिए अपने विवेक का प्रयोग करें। देश के जनमानस में परिवर्तन की चाह है, महंगाई से तबाही है, बेकारी का रास्ता खुल नहीं रहा। अंतर्राष्ट्रीय अभी आया है कि पिछले 3 महीने में असंगठित क्षेत्र में भारत के अंदर 70 लाख लोग जो काम पर लगे थे वो बेरोजगार हो गए। देश की जनता को चुनाव के पहले आप क्या संदेश देना चाहेंगे? महंगाई रोकना है तो सब पार्टियों से कहो कि 50 रुपए लीटर डीजल के दाम की सीलिंग कर दे और 60 रुपए डीजल और पेट्रोल के दाम की सीलिंग हो जाए, आधी महंगाई रुक जाएगी, क्योंकि परिवहन सस्ता हो जाएगा, ट्रकों से सामान जाना सस्ता हो जाएगा, लोग आने जाने में सस्ता। ये पेट्रोल के दाम बढ़ जाने से 1200 रुपए महीने हर घर के अंदर स्कूटर के दाम बढ़ गए, चलाने के दाम बढ़ गए, लोगों की आमदनी नहीं बढ़ी, महंगाई बढ़ गई, और जाति और धर्म और संकीर्णताओं और संकीर्ण राष्ट्रवाद से ऊपर उठ करके जुझारू लोगों को, जो जनता के सवालों को लेकर लड़ते हैं, जो आवाज़ उठाते हैं, उनको संसद में भेजोगे तो संसद का चरित्र बदलेगा और आपके हकों को और इंसाफ, नौजवान किसानों की आवाज़, मध्यम वर्ग की आवाज़, मजदूरों की आवाज़ उठेगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।